और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंके जाने को धर्म विरुद्ध कार्य बताते हुए एक छात्र नेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विश्वविद्यालय के कलाशनाशक प्रोफेसर रामसेवक दुबे ने छात्र संघ के उपाध्यक्ष अदील हमजा को नोटिस जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक महान विचारधारा के चिंतक, प्रखर वक्ता और पवित्र मंदिर के धर्माचार्य हैं। उनका इस तरह किया गया पुतला दहन असंवैधानिक, अधार्मिक, अनाध्यात्मिक और साथ ही विश्वविद्यालय अनुशासन संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने छात्र अदील हमजा के 15 अगस्त 2017 तक यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि छात्र संघ उपाध्यक्ष अदील हमजा और उसके साथियों ने 11 जनवरी को कैंपस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शव यात्रा निकाली थी और पुतला दहन किया था। हमजा पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने वाले छात्रों के दल की अगुवाई की। क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुतला दहन के लिए कोई सिद्ध स्थल है कि यहाँ पुतला दहन, शव यात्रा इत्यादि की जाए? लेकिन ये कह रहे हैं कि इन्होंने धार्मिक आधार पर किया। मैंने तो ये लिखा कि मुख्यमंत्री जी एक प्रसिद्ध विचारधारा के प्रखर चिंतक हैं और वक्ता हैं और माननीय मुख्यमंत्री हैं और एक बहुत प्रसिद्ध पवित्र धर्म संस्था के धर्माचार्य हैं।